जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सरदार भगत सिंह की प्रतिमा से फव्वारा चौक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। बिलारी मुरादाबाद बस दुर्घटना में मृतकों को तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया कैंडल, जलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा बस दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सतीश प्रेमी, मुन्नालाल शाह के संजय मदान, सुरेंद्र यादव, संगीता यादव, फखरे आलम, राजीव रस्तोगी, बबलू चौधरी, ज्ञानेंद्र यादव, नवाज, पूरन सिंह मौर्य, अभय यादव, मुन्ना लाल, नृपेंद्र यदुवंशी, शोभित प्रेमी, विकास कुमार, शिवम यादव, यश कुमार आदि उपस्थित थे। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है, बिलारी और मुरादाबाद रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो खत्म हुए हैं, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और हमारे यहाँ एक दुखद घटना हुई। बिलारी मुरादाबाद के बीच में मिनी बस एक्सीडेंट में काफ़ी लोग खत्म हुए, बड़ी दुखद घटना है। इस पर हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी के साथियों ने मिलकर के कैंडल मार्च निकाला उन तमाम मृतक आत्माओं के लिए, मृतकों के लिए तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए, कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो तमाम मृतक तमाम ग्रामीण क्षेत्र के थे, सुबह घटना में ख़त्म हुए हैं। बहुत ही दुखद घटनाएँ, उनके परिवारजन तमाम, कैसी स्थिति उनकी होती है, तो उन्हीं परिवारों के लिए धैर्य प्रदान ईश्वर करें और उनकी आत्मा को शांति दे, इसलिए हमने कैंडल मार्च निकाला उनके लिए। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और सबसे दुखद घटना जो नेशनल हाईवे पे हुई है कुंदरकी के पास, उसके लिए हमने मौन धारण किया है और उसमें जो मृतक हैं उन शांति के हम प्रार्थना करते हैं। साथ में सरकार से मांग करते हैं जितने मृतक हैं उनको 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उसके लिए हम आगे जहाँ तक के शासन तक इसके लिए लिखित रूप से भी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे।